नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप नहीं किया है और आईटीआई जो अपना है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से किए हैं, तो इस वीडियो को मेरे भाई अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती है आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिर ये जो 7 पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले के लिए, आखिर वो कौन कौन से है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इस चैनल पर रेलवे टेक्नीशियन के लिए जो 40 अंक का आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा उसका बैच प्रारंभ होने जा रहा है। यूट्यूब पर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का पैसा का बात नहीं है। देखिए, रेलवे में 9144 पोस्ट में जो भर्ती आया है उसमें से 5404 जो पोस्ट है वो पोस्ट किसके लिए है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वालों के लिए है। देखिए, रेलवे में 9144 पोस्ट पर भर्ती है, 5404 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वालों के लिए है, और उसमें 7 तरह की पोस्टों का कॉम्बिनेशन रखा गया है। ये नहीं कि केवल आप इलेक्ट्रिशियन वाले ही पोस्ट को भर सकते हैं, उसमें 7 प्रकार के पोस्टों पर भर सकते हैं। आखिर वो कौन कौन सा पोस्ट है, पहले उसको देखिए। पहला जो आपका है जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 3, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद EMU है, उसके बाद RNSC है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल TRS है, उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकॉम है, और ट्रेक मशीन है। ये 7 प्रकार के पोस्टों पर आप इलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला अपना पोस्ट प्रिफरेंस जो रखना है अपना ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से है, तो उसी को ही रखना है, बाद बाकी को अच्छे से सजा देना है। अब देखिए कि भर्ती कहाँ पर कितना है, उसके बाद आपको बताएंगे कहाँ ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपके लिए सेफ जोन कौन हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहां पर कितने पोस्टों पर भर्ती आया है। देखिए, अहमदाबाद में आपका 340 पोस्टों पर भर्ती है। कितना? अहमदाबाद में आपका 340 पोस्ट पर भर्ती है, अजमेर में आपका 348 पोस्टों पर भर्ती है। देखिए, अहमदाबाद में 340, अजमेर में 348 पोस्टों पर भर्ती है। वही बेंगलोर में आपका 65 पोस्टों पर भर्ती है। अगला बात किया जाए भोपाल में, देखिए 264 पोस्टों पर भर्ती है। ये जो 5404 पोस्ट है उसी को बता रहे हैं कि 21 RRB में कहां पर कितने पोस्टों पर भर्ती है, पहले ये अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद भुवनेश्वर में देखिए 101 पोस्टों पर भर्ती है। कितना? भुवनेश्वर में आपका 101 पोस्टों पर भर्ती है। वही अगला आपका है बिलासपुर, बिलासपुर में 544 पोस्टों पर भर्ती है। भुवनेश्वर में 101, बिलासपुर में 544। अगला है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 60 पोस्टों पर भर्ती है। चंडीगढ़ में कितना? 60 पोस्टों पर भर्ती है। चेन्नई में 566 पोस्टों पर भर्ती है। चेन्नई में कितना? 566 पोस्टों पर भर्ती है। अगला है गोरखपुर, गोरखपुर में आपका 95 पोस्टों पर भर्ती आया है। गुवाहाटी में देखिएगा तो 476 पोस्टों पर टोटल भर्ती है। अगला जो आपका नेक्स्ट RRB है वो है जम्मू, जम्मू श्रीनगर, जहां पर 104 पोस्टों पर आपका भर्ती आया हुआ है। अब देखिए, कोलकाता में आपका 347 पोस्टों पर भर्ती है। कितना? कोलकाता में आपका मेरे भाई 347 पोस्ट पर भर्ती है। वही मालदा देखिएगा तो 118 पोस्टों पर आपका भर्ती है। अगला RRB जो आपका है वो है मुंबई, देखिए मुंबई में आपका 839 पोस्टों पर भर्ती है। कितना? 839। अगला आपका है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में 49 पोस्टों पर भर्ती है। अगला आपका जो है वो पटना है, पटना में 206 पोस्टों पर भर्ती है। ठीक उसी क्रम में देखिए प्रयागराज में आपका 178 पोस्टों पर भर्ती है। अगला RRB जो आपका है वो रांची है, रांची में 186 पोस्टों पर आपका भर्ती है। नेक्स्ट जो आपका RRB है वो है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में 350 पोस्टों पर भर्ती है। उसके बाद सिलीगुड़ी में आपका 17 पोस्टों पर भर्ती है। वही तिरुवनंतपुरम का बात किया जाए तो यहाँ पर 15 पोस्टों पर आपका
भर्ती है। ये था आपका पूरा डिटेल्स। तो अब ये जानिए कि जो 21 आरआरबी आपका है तो आपको फॉर्म फिलअप कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है। देखिए एक नंबर पर जो आपका आरआरबी है फर्स्ट नंबर पे, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है मुंबई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप अभी के डेट में हो रहा है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है तेज बच्चे को वहाँ से बचना चाहिए, ताकि अगर ये नहीं है कि वहाँ ज़्यादा भर्ती है, ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है तो कट ऑफ कम हो जाएगा, आपको बचना चाहिए। ठीक, तो ये आपका एक नंबर पर चल गया मुंबई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप इस बार हो रहा है। दो नंबर पर जो आपका है वो है चेन्नई। देखिए चेन्नई, चेन्नई में भी फॉर्म फिलअप अच्छा खासा हो रहा है। तीन नंबर पर आपका जो है वो बिलासपुर है, बिलासपुर में भी फॉर्म फिलअप अच्छा हो रहा है। तो मेरे अनुसार जो है ये तीन आरआरबी से आपको बचना चाहिए। कौन कौन से तीन आरआरबी है आपका? एक नंबर पर है मुंबई, दो नंबर पर है चेन्नई, तीन नंबर पर है बिलासपुर। ये तीन आरआरबी से आपको बचना चाहिए, यहाँ पर फॉर्म फिलअप अभी मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए। जब पूरे लिस्ट को देखिएगा तो हर जगह अच्छा खासा भर्ती है, तो क्यों जहाँ सबसे ज़्यादा भर्ती है वहाँ जाने की ज़रूरत है, वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जहाँ एवरेज भर्ती है वहाँ जाइए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ा कम रहता है। जब फाइनल मेरिट आता है तो देखिएगा आपका सिलेक्शन एक से दो ही नंबर के कारण नहीं हो पाता है, एक एग्जाम है, इसलिए बहुत सावधानी बरतना है। मेरे अनुसार देखिए आप कहां कहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। मेरे अनुसार देखिए ये जो सिकंदराबाद है टिक लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर अभी तक आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो यहाँ कीजिए, पांच आरआरबी पर टिक लगाएंगे, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। दो नंबर पर देखिए गुवाहाटी, गुवाहाटी में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए सिकंदराबाद में 350 सीटें हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। दो नंबर पे आपका गुवाहाटी है, गुवाहाटी में 476 सीटें हैं। अगला जो आपका आरआरबी है उसका अगर हम बात करें तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो। तीन हो गया, चौथा जो आपका है अजमेर, अजमेर में भी कर सकते हैं। देखिए सिकंदराबाद में 350 पोस्ट है, गुवाहाटी में 476, अहमदाबाद में 340 पोस्ट है, वही अजमेर में 348 आपका पोस्ट है। वही अब अगर हम अगला आरआरबी के जो बात करें, जहां पर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, भोपाल में भी कर सकते हैं, यहां पर भी बच्चों का कम ध्यान जा रहा है। ये जो पांच आरआरबी का टिक लगाए हैं, अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, गुवाहाटी और सिकंदराबाद, ये पांच आरआरबी एवरेज आरआरबी है, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन तीन आरआरबी अभी हाईलाइट में चल रहा है, जो है आपका मुंबई, बिलासपुर और चेन्नई। चूँकि कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती है तो सभी लोग चाह रहे हैं कि यहीं पर हम फॉर्म फिलअप करें। मेरे अनुसार आपको हो सकता है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के बारे में सब कुछ डिटेल से बता चुके होंगे, और भी किसी भी तरह का आपको प्रश्न पूछना है तो कमेंट करके मेरे भाई ज़रूर पूछिएगा, एकदम अच्छे से। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे देने का, फॉर्म सोच समझ कर भरना है, आरआरबी चेंज नहीं होता है। और जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अपना ज़रूर करना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।